हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. सो हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट एवरीवन इज फाइन. यस क्लास, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज अगर हेल्थ इज नॉट ओके, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, देन अल्टीमेटली आपकी स्टडीज इफेक्ट हो जाएंगी, राइट? सो यस, वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड देन साइमल्टेनियसली वी विल बी स्टडिंग. ओके, सो विद दिस गुड नॉट क्लास, आई जस्ट वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. एंड जो भी बच्चे मेरी क्लासेस रेगुलरली देखते हैं, दे नो हम ऑलरेडी पास्ट में क्या पढ़ चुके हैं एंड इवन टुडे हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? लेकिन जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इधर न्यू लर्नर्स हैं, सो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है. हमारी क्लास का एक फंडा होता है, राइट, ये टेंशन नहीं लेना एंड रट्टा नहीं लगाना, ठीक है? ये दो फंडे हैं. सो बेसिकली हम कैसे, हमने बहुत सारी क्लासेस ना, हमने जो पास्ट में ली है, पहले जितनी भी क्लासेस ली हैं, हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे से की है. अब ये क्या है इंटरेस्टिंग? हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, हमने क्विजेस करे, राइट? हमने कितना डिस्कशन करके वी कंप्लीटेड दैट चैप्टर, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं. तो क्लास इवन अभी हम आगे भी जितने भी, वेदर इट्स बायो, वेदर इट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, हम सारे चैप्टर्स हम बहुत एक्सपेरिमेंट से करेंगे. आपको बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? फोकस ऑन द बेस थिंग, ठीक है? एट्थ में जो पढ़ लिया डन, लेकिन नाउ आप नाइन्थ में हो, हम क्या बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे साइंस का. आपको यहीं से ही एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है क्लास? सो विद दिस गुड नॉट दैट यू नो वी विल फोकस ऑन द मीनिंगफुल लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट्स, एंड हम लर्निंग को बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाएंगे. सो क्लास विद दिस गुड नॉट, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. सो क्लास टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन चैप्टर नंबर टू, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर. क्या जो मैटर है हमारे, आप सबको पता है, आई एम डैम श्योर आपको पता होगा कि मैटर क्या होता है. मैटर आस पास में जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, वो सब मैटर है. सो क्या वो प्योर है? एज इन मैटर, जो भी चीज आपके जो स्पेस और मास ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं. क्या वो प्योर है? क्या वो प्योर है, क्या मतलब है मेरा प्योर से, राइट? अगर आपने, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके इसके बारे में, अगर आपको अभी आइडिया नहीं आ रहा है कि मैम प्योर क्या बोल रहे हैं, सो आप मेरे ऑलरेडी यू नो आई ऑलरेडी टुक 3 क्लासेस ऑन दिस सेम चैप्टर, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो. मेरी रोज क्लासेस 5 o'clock क्लास अपार्ट चैनल पे ही होती है. तो आप मेरी क्लासेस यू नो इसी चैप्टर का, चैप्टर 2 का 3, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देख सकते हो. अदर देन दैट, चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 भी कवर कर दिया है. या फिर इनके अलावा इफ यू वांट कि मैम ये चैप्टर पढ़ाओ, आई हैव प्रॉब्लम इन दिस, यू कैन सजेस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, इट इज ओपन फॉर यू ऑल. एंड क्लास यस, we will be learning in a very very fun way, and ye fun tabhi hoga jab aap kya honge, attentive, right? jab aap sab kya honge, attentive, tabhi ye kya banega, fun banega. and hum bahut sare experiments karenge, ye aap sabko pata hai, hum bahut sare experiments karenge. this is the lovely part of science. okay class, so before starting the session, let me just quickly introduce myself. As you all know, but you know the students who just joined, who are new. So class, I am Rashmi Yadav, and I'm graduated from Lady Shriram College from Women. And you know, I am a TGT teacher, and in an academy, I am from K-12 category. And class, I taught many students on both the platform, that is online and offline. So here I am to teach you all and to make you all masters of science, right? यहाँ से यहाँ आएंगे हम सब, right? Okay. So class, yes, you can ace your school. This word is really important. You know, it's you are really lucky. This An Academy, it's one of the best and you know biggest platforms, biggest study platform. And why I'm saying this, you will get टॉप एजुकेटर्स, यू विल बी लर्निंग अंडर देम, ठीक है? टॉप एजुकेटर्स आपको सिखाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, राइट? पूरे टाइम तो यही दिमाग में रहता है कि नोट्स बनाने, एग्जाम आने वाले, ठीक है? तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे. सो क्लास, वॉट यू कैन डू इज यू नो यू विल बी जस्ट डाउनलोडिंग द ऐप अन अकेडमी लर्नर्स ऐप. इट इज इजिली अवेलेबल इन द प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पे बहुत इजिली अवेलेबल है, ठीक है?
सब्सक्रिप्शन आप वहां पर जाके जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पूछा जाएगा. यू कैन यूज दिस कोड, दिस ऑफर इज गोइंग ऑन. ये आप कोड यूज कर सकते हो RAY10. आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा. क्लास दिस इज योर बेनिफिट. ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो YouTube पे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन YouTube एंड यू नो व्हाई यू नीड टू टेक सब्सक्रिप्शन. योर फोकस एरिया विल बी इंक्रीज्ड. आपको गाइडेंस गाइडेंस के लिए कर रहे होते हैं. अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप ना ट्यूशन ले लो, ट्यूशन आप सबके साथ लोगी या फिर आप पर्सनल ट्यूटर लोगी? पर्सनल ट्यूटर. व्हाई? बिकॉज वहां पर आपको गाइडेंस अच्छी मिल रही है, फोकस आपका ज्यादा है. राइट, सो क्लास किस चीज की दे रही, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? Right? So, go quickly after this session, download the Unacademy Learners app and just take the subscription. So, aapke liye hi a little hai. I'll tell you the list. This can you see over here? Class 9, 10, 11 and 12. So, this is the subscription pitch. So, class, this is a two list. Number one list and two list. You can see kuch money mein difference aa raha hai. So, class, kyun difference hai? आप ये जो मैं अभी बोल रही थी, ये जो ऑफर चल रहा है RAY10, अगर आप ये यूज करते हो, सो अगर फॉर एग्जांपल आप 48 मंथ का लेते हो, सो यहाँ पर यू आर पेइंग 833 पर मंथ और यहाँ पर यू आर पेइंग 750 पर मंथ. हो गया ना कम जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड. ठीक है, आई विल रिकमेंड यू टू टेक, यू नो बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी यू कैन टेक, बट आई विल रिकमेंड कि आप 48 मंथ का लो. क्योंकि आप यहाँ पर देखो, अगर आप 3 मंथ का भी लेते हो तो आप एक यू नो ओनली इन अ मंथ आप इतना स्पेंड कर दोगे, जबकि यहाँ पर यू विल बी जस्ट पेइंग 833. नॉट इवन दैट, 10% ऑफ, 10% ऑफ तब कितना हो गया, 750 पर मंथ. दैट्स इट. सो क्लास किसी चीज की देरी नहीं है, गो एंड 67% ऑफ टेक इट. इफ यू वांट टू टेक फॉर 48 मंथ दैट विल बी ग्रेट, नहीं लेना 36 मंथ 24 मंथ. सो दिस इज बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी. ठीक है, ओके. सो क्लास यू नो व्हाई आई एम आस्किंग यू टू टेक सब्सक्रिप्शन, दीज आर सम फीचर्स. क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे मैम हम तो यूट्यूब भी तो पढ़ रहे हैं तो हम सब्सक्रिप्शन क्यों ले, है ना? तो ये ना मेरे भी दिमाग में था कि क्यों लेना चाहिए, बट मैंने जब ये देखा ना सब्सक्रिप्शन पिच, मैंने ये पिच भी देखा, अरे 750 इतने का तो खाना ही मैं यू नो पार्टी कर करके खत्म कर देते, तो क्यों ना हम थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट अगर यहाँ कर दें तो हम यहाँ से यहाँ आने के ज्यादा चांसेस हैं, सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इट. फिर मैंने देखे यहाँ पर कुछ फीचर्स भी हैं, तभी मेरे को सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत मन करा. ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यू विल बी लर्निंग एट योर होम. कंफर्ट, कंफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कंफर्ट, आप अपने घर पे बैठ के क्लासेस ले सकते हो. एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ कोर्स, कोई मर्जी कोर्स लेना है, एक बार सब्सक्रिप्शन आप लो, आपके पास जो मर्जी आपको कोर्स लेना है दैट विल बी अनलिमिटेड, यू कैन टेक इट. टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, हाँ, एंड आपके रेगुलर डाउट सेशंस होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास. अभी यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे आप क्लासेस लगा रहे हो, आप सुन रहे हो, लेकिन डाउट तो रह रहे हैं ना. डाउट यहाँ पर अनअकैडमी क्लियर करता है. आपके जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो हर एक बच्चे पे गाइडेंस होती है, एंड बोर्ड एजुकेटर्स आपको पूरा हेल्प करते हैं थ्रू आउट योर टेन्योर. ठीक है, ओके. फुल कवरेज ऑफ सिलेबस, सिलेबस आपका पूरा कवरेज होगा. ऐसे डरना नहीं कि मैम अभी तो हम यही चैप्टर कर रहे हैं, वो कब करेंगे. पूरा कवर होगा आपका सिलेबस बहुत अच्छे से, बहुत डीपली. और गाइडेंस होगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे. ये जो मैं बात कर रही थी नोट्स के बारे में, तो स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे. क्लास आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है कि गूगल कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सीधा आपको हम काम करके देंगे. ठीक है, हम डाउट क्लियर करेंगे आपका, हम ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, आपको स्टडी मटेरियल देंगे, आपको जस्ट आना है, दैट्स इट. लाइव टेस्ट सीरीज होंगे, राइट? सो दीज आर दी सच अ ग्रेट फीचर्स. सो आप डेफिनेटली नाउ आफ्टर सीइंग दिस फीचर्स, इट्स ऑन यू टू यू नो वेदर यू वॉन्ट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, वेदर यू नीड टू बी फोकस्ड टुवर्ड योर स्टडीज और नॉट. ठीक है, सो हमने दीज आर सम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. For example, personal mentor. So personal, so it will be a personal guidance. Ki, you know, if that will be great. Agar hamara personal guidance hota hai, teacher aapki weakness and strength bahut acche se janta hai, right?
सो आपके ज्यादा इंप्रूवमेंट होने की चांसेस हैं। लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, वीकली रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। बच्चे टेस्ट तो देते रहते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं मिल रही है, कहाँ कम हो रहे हैं कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, वीकली रिपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। Parent contact. So basically, you know, if you are studying at your home, so it's really important for teacher also and for parents also to connect with each other, right? ऐसा तो नहीं है कि अभी आपको पढ़ने का टाइम है एंड आप साइमल्टेनियसली घर में कहीं और इंडल्ज हो। सो दैट्स वाई पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट होते हैं कि ये स्टडी मटीरियल है, ऐसा हमारा प्रोसीजर होगा, एंड पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता है कि ये यू नो बच्चा ऐसे काम करने वाला है, तो बीच में कोई हर्डल नहीं आएगा, ठीक है। स्टडी प्लानर होगा, फुल टाइम टेबल आपका हम ही सेट करके देंगे इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एंड आपको बस सब्सक्रिप्शन लेना है और इन सारे बेनिफिट्स को उठाओ, व्हाई नॉट टू अवेल इट, राइट। आपको YouTube पे ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आप आओ क्लासेस लो एंड आप जा रहे हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो दैट विल बी हेल्पिंग यू, विल बी इंक्रीजिंग द फोकस एरिया ऑफ योर्स, राइट। तो क्लास हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर एक सेपरेटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। क्या होता है? आग बंद करके सेपरेटिंग प्रोसेस होता है मैम। क्या, किस चीज का सेपरेशन? गैंग और ओर का सेपरेशन बहुत बार कर चुके हैं मैम। गैंग का क्या होता है? गैंग इंप्योरिटीज होता है। इंप्योरिटीज और लेफ्ट आउट पार्ट को ओर कहते हैं। इंप्योरिटीज और की क्या सेपरेशन, उसके अंदर हमने क्या किया, हमने देखे बहुत सारे प्रोसेसेस, इतने सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक हम इसके अंदर बहुत सारे टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डन हो चुका है। हम फिल्ट्रेशन पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन डन, सब्लिमेशन डन, सेपरेटिंग फनल डन, वैपोरेशन डन, क्रिस्टलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, तो क्रिस्टलाइजेशन बचा है, डिस्टिलेशन डन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी करना है, क्रोमैटोग्राफी आधा हुआ है, एंड सेंट्रीफ्यूगेशन भी बचा है। इतने सारे टाइप हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास। आप प्लीज मेरे यू नो अगर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, हम हर एक क्लास एक एक प्रोसेस को डिवोट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज एक मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करना है, है ना। हम पूरा इन हम पूरे ऐसे देखते हैं, नॉट ओनली नोट्स आपको एग्जाम में, ये तो बहुत इजी है, आप आओ मैं आपको एग्जाम का बता दूंगी, बेटा एग्जाम में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आप एक काम करो ये डायग्राम बनाना, ये लिख लेना और आप ऐसे आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे और आप टॉप कर जाओगे। क्या आपको बात याद रहेगी? वो क्या आपको जो आप पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में वो याद रहेगा? नहीं रहेगा, कभी रह नहीं सकता। हम इस चीज को याद रखने के लिए हम अपनी लाइफ से उसको जोड़ेंगे, रिलेट करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। याद है, आप कुछ भी करते हो अपने हाथ से करते हो आपको ज्यादा याद रहता है, इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप भी मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि अगर आप कर रहे हो सो डेफिनेटली आप सीख रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो, आप कर भी रहे हो और सुन भी रहे हो। आज की क्लास में क्लास क्रोमैटोग्राफी हम ऑलरेडी करके आ चुके थे, हमने क्रोमैटोग्राफी का प्रोसेस पढ़ा था कि क्या होता है क्रोमैटोग्राफी। बेसिकली हमने एक फिल्टर पेपर लिया था, याद है, फिल्टर पेपर हो गया या पेपर हो गया या फिर आपके पास टिश्यू पेपर, मोटा वाला टिश्यू पेपर, आपके पास फिल्टर पेपर ऐसा भी हो सकता है या फिर टिश्यू आपका फिल्टर पेपर आपका शेप उसका ऐसा भी हो सकता है। क्या करना है आपको? आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी, टिप है, तो यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे, एक वर्टिकल लाइन लगाओगे, एक वर्टिकल लाइन लगाओगे, यहाँ पर जो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर लगाओगे कोई भी कलर का इंक। ये अगर पॉइंटेड है तो इतना पानी रखूंगी, सिर्फ पॉइंट टच, ज्यादा पानी नहीं, सिर्फ पॉइंट टच। यहाँ पर भी हम इतना पानी रखेंगे कि पेपर हल्का सा टच। क्यों? क्योंकि हमारा जो वाटर है वो धीरे धीरे कर करके ऊपर जाएगा, है ना। जस्ट इमेजिन अगर मैं इंक नहीं लगाती तो क्या होता, पूरा पेपर गीला हो जाता, कुछ भी नहीं दिखता। ओके, अब मैंने इंक रख दी है बीच में, हमने मिक्सचर ऑफ कलर का कोई भी एक इंक रख दिया, हमें नहीं पता वो किस चीज का मिक्सचर है, हमने ड्रॉप लगा दी, सूखने को वेट करा, उसके बाद हमने देखा वो जा रहा है, वो ना पानी ऊपर 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 आ रहा है आ रहा है, अरे इंक मिल गई, पानी को मिला इंक, इंक फैलेगी, राइट। हम बचपन में कितना करते थे लेकिन हमें ये नहीं पता था, हम तो क्रोमैटोग्राफी कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता था।
सो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, पानी से इंक जा रही है ऊपर, और हमारा अगर इसके अंदर दो कलर है जैसे ब्लू और रेड, तो ये दोनों कलर अलग करते हैं। क्लास अगर आपको याद है, कल लास्ट क्लास में मैंने जहां आपको क्लास मैंने एंड करी थी, आपको क्यूरियोसिटी लेवल में मैंने डाला था, क्या क्वेश्चन था जो आपका होमवर्क था, सर्च करके आना था, हाउ डू द कंपोनेंट्स ट्रैवल अप टू द डिफरेंट डिस्टेंसेस। हमारा जो क्रोमैटोग्राफी का फिल्टर पेपर था हमारा, यहाँ पर हमने जो डॉट लगाई, हमने ये देखा कि हमारे ना जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर यहाँ पर है, रेड कलर ऊपर आ गया, ये हाइट, ये डिस्टेंसेस क्यों, वाई क्यों है ये क्लास? फटाफट जो सर्च करके आया फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में, मैम ये है रीजन क्यों है। हम आगे देखते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें हम ना प्लांट तो बहुत इजीली अवेलेबल है, इससे देखते हैं। आपको दिख तो रहा होगा मैम लीव्स जो है हमारे पास, ये कौन से कलर का है, ग्रीन कलर के हैं। क्या ही ग्रीन कलर के हैं, आगे देखते हैं। हमने क्या किया, इन ग्रीन कलर के लीव्स को पीस दिया अच्छे से, कूट कूट के हमने किया इसकी चटनी बना दी, पीस दिया। चटनी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ लिक्विड निकलेगा इसमें से, जब हम पीसेंगे लिक्विड निकलेगा, उस लिक्विड को हम एक ड्रॉप बेसिकली एक फिल्टर पेपर, ये पेपर ले रखा है, आप फिल्टर पेपर या टिश्यू ले सकते हो। हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, यहाँ देखो एक ड्रॉप ऐड कर दिया हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके बाय यूजिंग पेंसिल। वाई पेंसिल, याद आया मैंने क्लास मैंने बोला था पेंसिल यूज करनी है। अगर आप यहाँ पर पेन यूज करते तो पेन प्लस इंक और हो जाती, तो आपका ये जो प्रोसेस है, ये जो कलर ऊपर ऊपर जा रहा है, ये पूरा प्रोसेस खराब हो जाता। इसीलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेन वी आर यूजिंग पेंसिल, कि पेंसिल आगे यू नो इतना ये इफेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर जो कलर है उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ आप देख सकते हो एक ड्रॉप हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ड्रॉप अब क्या होगा, इस फिल्टर पेपर को हम क्या बोलते हैं, हम तब से स्टार्टिंग से फिल्टर पेपर बोल रहे हैं, यस उसको फिल्टर पेपर बोलते हैं, हम उसको क्रोमैटोग्राफिक पेपर भी बोल सकते हैं। क्रोमैटोग्राफिक पेपर क्या होता है, जो क्रोमैटोग्राफी में यूज किया गया है मैम उसे क्रोमैटोग्राफी पेपर कहते हैं। वेरी इजी आंसर, राइट। सो क्लास ओवर हियर हमने क्या किया, उसके बाद एक वही वाला सैंपल जो भी हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, नहीं याद है तो क्लास आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ देखो, हमने बहुत डिटेल में एक्सपेरिमेंट करा है, ठीक है। हमने लिया एक टेस्ट ट्यूब है, ये आप बीकर ले सकते हो, जार ले सकते हो, पानी है, इस पानी अभी क्या करेगा, ये पानी जाएगा ऊपर ऊपर ऊपर, अरे हमें तो कलर मिल गया, कलर क्या करेगा अभी ये? अब देखो आपको लग रहा था कि आपका तो है ग्रीन कलर, लीव्स जो है आपका है वो ग्रीन कलर, क्या वो सच्ची में ग्रीन कलर है? विल सी दैट, क्या वो सच्ची में, अगर वो सच्ची में ग्रीन कलर है ना बहुत गजब हो जाएगी। बट हमने देखा कि आपका ये जो ग्रीन कलर है, ये पानी जब ऊपर 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 आया, यहाँ पर जो डॉट थी ये डॉट फैलने लगी चारों तरफ, ये ग्रीन कलर, ये देखो ग्रीन कलर आप देख सकते हो, ऊपर डार्क ग्रीन है ना, ऊपर क्या है डार्क है, नीचे लाइट होता जा रहा है, ऊपर डार्क है, राइट। अब ऑर्बिट करो, पानी यहां तक आया है, पानी और ऊपर जाने दो, ऑर्बिट किया, देखो क्या हो रहा है, और ऊपर चला गया, क्या हो रहा, और लाइट हो गया है पानी, यहाँ पर कलर ग्रीन और कलर लाइट, यहाँ देखो और कलर हुआ है कि और लाइट हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ डार्क है, यहाँ क्या है, यहाँ लाइट है मैम, और यहाँ क्या है डार्क, लाइट डार्क, क्या रीजन है? आपका ये जो कलर है ये ऊपर जाता जा रहा है, क्यों जाता जा रहा है, बिकॉज वॉटर के फ्लो के साथ जा रहा है। हमने पढ़ा था हमारे पास क्या है, सॉल्ट, सॉल्ट है, सॉल्ट जल्दी 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 सॉल्युबल होता है, तो पानी के मूवमेंट के साथ सॉल्ट की मूवमेंट ज्यादा होगी, तो जो जल्दी डिसॉल्व होता है सब्सटेंस, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, वो मूव फास्ट करता है, ठीक है। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसकी मूवमेंट क्या होगी, उसकी मूवमेंट होगी कम, ठीक है। क्लास वेरी इजी, जो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा लेजी है भाई, डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, बैठा है नीचे ही है, जो जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो रहा है प्रोएक्टिव भाग रहा है ऊपर,
ठीक है, याद रख सकते हो ऐसे सिनेरियो को. क्लास, इसके पीछे क्या रीजन है, मैंने जो आपको बोला था सर्च करने के लिए. बेसिकली डिफरेंट पिगमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. व्हाट आई मीन बाय पिगमेंट, पिगमेंट इज जो मैं बात कर रही थी ना कि लाइट कलर डार्क कलर, इन पिगमेंट्स की ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ऑफ कोर्स अगर मेरे पास बहुत एक मान लो डार्क ब्लू है एक लाइट ब्लू है, सो क्या है डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी? यस बिल्कुल होगी. यहाँ पर वही बात हो रही है, हर एक पिगमेंट की जो भी हाइट पे जा रहा है, हर एक पिगमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है. ठीक है, उस प्रॉपर्टीज में हम ये कॉमन देख सकते हैं, एक है हैवी और दूसरे है लाइट. हैवी हैवी वाले क्या होंगे, हैवी वाले आर मोर सॉल्युबल, लाइट आर लेस सॉल्युबल. ठीक है, इसके वजह से क्लास हमारे देयरफॉर डिफरेंट पिगमेंट्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड. डिफरेंट डिफरेंट आपके पिगमेंट्स आपको डिफरेंट स्पीड पे ट्रेवल करते हैं. जो ज्यादा सॉल्युबल है वो आगे भाग रहे हैं, जो कम सॉल्युबल है वो पीछे ही रह गए. लाइट लाइट थे और हैवी वाले ऊपर चले गए, ऊपर वाटर के साथ जा रहे हैं आगे आगे, वो और डिजोल्व होते जाएंगे, लाइट बनते जाएंगे, है ना. पानी का अगर आप मान लो ये आपका कलर बहुत डार्क है, बहुत डार्क है, बहुत हैवी, आपका पानी आप जैसे ही डालोगे हल्का सा लाइट होगा, हल्का और लाइट, ठीक है, तो लाइट हो गया. फिर आप ऊपर करोगे तो डार्क ज्यादा ऊपर डार्क होगा, नीचे क्या होगा लाइट होगा. आप जितना पानी आता जाएगा वो लाइट का वाइट हो जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली ये इसका मेजर रीजन है जो हमने पढ़ा, क्यों हमारा ये डिफरेंट हाइट पे जाता है. ठीक है क्लास, अगर हम देखें यहाँ पर ये जो पूरा हमारे पास लीफ का आया, ये हमारी लीफ है, लीफ का हमारा कुछ सैंपल ऐसा आया, आप देख सकते हो, देखो ब्राउन भी आ गया, ग्रीन में ब्राउन कलर भी है. तो यू कैन सी दैट लाइट कलर नीचे रह गया, डार्क कलर ऊपर चला गया. तो पिगमेंट That has more that pigment that was more attracted to the paper, जो ज्यादा से paper से attract हो रही है. ठीक है, जो कम soluble है वो क्या करेंगे, does not move high. जो paper से, मुझे तो paper के चिपके रहना, हम ऊपर जाएंगे ही नहीं. ठीक है, तो वो नीचे ही रहेंगे. While on the other hand, the pigment that are more attracted to the water, difference देखो, यहाँ है water, यहाँ है पेपर. सो जो पेपर के साथ ज्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं वो नीचे ही बैठे रहेंगे, नीचे ही बैठे रहेंगे. पानी फ्लो हो रहा है, पानी ऊपर ऊपर जाएगा, जो पानी के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे वो ऊपर हायर चले जाएंगे, ट्रेवल्स अप हायर. ठीक है, फंडा समझ आ रहा है कि आपकी ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट क्यों होती है. हर एक पिगमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, कुछ पेपर के साथ अट्रैक्ट करेंगी, कुछ वाटर के साथ अट्रैक्ट करेंगे, कुछ लेस सोल्युबल होते हैं, कुछ मोर सोल्युबल होते हैं, कुछ हैवी है, कुछ लाइट है. ये सारी प्रॉपर्टीज को माइंड में रख के आप आंसर बता सकते हो. मैम दैट्स व्हाई हमारे ये जो है फिल्टर पेपर में हमें डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स में कॉम्पोनेंट्स में आपको दिख रहा है, ये इसके पीछे ये मेजर रीजन है. क्लास अदर देन दैट, आप यहां देखो, ये जो मैंने प्रोसेस कर रही हूं, मैंने बहुत सारी डॉट लगाई, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डॉट लगाई, क्या हो रहा है, सारी मूवमेंट ऊपर जा रही है. कलर्स देखो, यहाँ नीचे लाइट है, ऊपर डार्क 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 जाएगा. ये जो प्रोसेस है इंक का नीचे से ऊपर जाने का प्रोसेस, इसे हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन. इसको हम क्रोमैटोग्राफी पेपर भी कह सकते हैं, पढ़ना होगा फिल्टर पेपर क्रोमैटोग्राफी पेपर आप इसको कह सकते हो. हमने ये भी पढ़ा था क्लास, यू नो क्रोमैटोग्राफी पेपर तो पढ़ा था. अदर देन दैट हम ये बोलते हैं हमारा जो मूविंग स्टेट में है, दैट इज दिस क्रोमैटोग्राफी पेपर, ये मूविंग स्टेट में है. और जो स्टेबल स्टेट में है, दैट इज दिस वॉटर. वॉटर जो है ये स्टेबल स्टेट में है, मूव नहीं कर रहा. व्हाट आई मीन बाय स्टेबल, जो मूव नहीं करता वो स्टेबल स्टेट में है वाटर. एंड ये फिल्टर पेपर मूविंग स्टेट में क्यों है, बिकॉज ये जो हमारा कैपिलरी एक्शन हो रहा है, इसके वजह से ये जो फिल्टर पेपर है ना, दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं ये जो फिल्टर पेपर है ये एक मूविंग स्टेट में है. ठीक है, और वाइल ऑन दी अदर हैंड जो वाटर है वो एक स्टेबल स्टेट में रुका हुआ है, not moving.
ठीक है, हमने बहुत पूरा पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया, हमारा पूरा क्रोमैटोग्राफी के बारे में देख लिया, डिफरेंट हाइट्स में भी क्यों जाता है, हम इसको बहुत इजीली ना मेजर भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री में हर एक चीज को मेजर किया जाता है, आप इसको बहुत आराम से मेजर कर सकते हो, हर एक हाइट का मेजर कर सकते हो, ये कलर इतना जा रहा है, ये कलर इतना जा रहा है, डिफरेंस डिस्टेंस देख लो, ये कलर इतना है, इतनी इन दोनों में कितना डिफरेंस है, आप ऐसे करके पूरा मेजरमेंट आराम से कर सकते हो। ठीक है क्लास, सो बेसिकली मैंने जो आपको फर्स्ट क्लास में बताया था प्रिंसिपल, हम आगे पढ़ेंगे ये, और मैंने आपको बोला भी था कि हम ना डिस्कस कर चुके हैं, हिंट था। सो नाउ डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ द पिगमेंट्स विद पेपर एंड वाटर। अट्रैक्शन में डिफरेंट आते हैं, कुछ हमारे पिगमेंट्स जो है कुछ कलर वाटर के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ कलर हमारे किसी साथ पेपर के साथ। तो ये जो डिफरेंस है अट्रैक्शन का पेपर और वाटर के बीच में, ये रिजल्ट करता है हमारा सेपरेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। हमारे डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे आते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ सब्सटेंस पेपर के साथ अट्रैक्ट है, ये जो अट्रैक्शन है ना इसीलिए फंडा खराब कर रखा है ना, रियल लाइफ में भी इसी ने फंडा खराब कर रखा है। तो पिगमेंट में, यहाँ पर पिगमेंट जो है उसकी अट्रैक्शन किसी की पेपर के साथ है, किसी की वाटर के साथ है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, स्टार मार्क कर लो क्लास, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसके पीछे प्रिंसिपल। प्रोसीजर पूछा जाए आपको, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसीजर क्या है? अ लाइन इज ड्रॉन अबव 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज ऑफ फिल्टर पेपर। वी हैव फिल्टर पेपर 3 सेंटीमीटर अप्रोक्स, आपको क्या करना है, आपने लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टली बाय यूजिंग पेंसिल। ठीक है, बाय यूजिंग पेंसिल आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अ ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक इज पॉर्ड एंड अलाउड टू ड्राई। आपने क्या किया, यहाँ पर ब्लैक इंक आपने पोर कर दी, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक इंक। ठीक है, अब नाउ यू आर वेटिंग इट टू बी ड्राई। ओके, नाउ द फिल्टर पेपर इज डिप्ड इन द वाटर। हमने ये लिया, ये बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या किया, वाटर एड कर दिया। तो इसके अंदर हमारे पास इतना पानी है, द फिल्टर पेपर इज डिप्ड इन टू द वाटर। वाटर विल बी सीन मूविंग अपवर्ड ऑन फिल्टर पेपर। आप देख पाओगे फिल्टर पेपर को ये पानी गीला करेगा और वो जैसे ही ब्लैक कलर से मीट करेगा, डाइज ऑफ डिफरेंट कलर्स आर सीन एट डिफरेंट हाइट ऑन द फिल्टर पेपर। तो जैसे ही ये मीट करा, सो बेसिकली जो कलर पेपर के साथ अट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, नीचे ही बड़ा रहेगा, राइट? जो पेपर, जो भी आपका पिगमेंट, जो कलर आपका वाटर के साथ अट्रैक्ट करेगा वो पानी के साथ ऊपर चला जाएगा, याद रखना। दैट्स व्हाई डिफरेंट हाइट। और सोल्यूबल है ऊपर चला जाएगा, लेस सोल्यूबल है नीचे पड़ा रहेगा। ठीक है, द मोर सोल्यूबल पार्ट ऑफ डाई इज फाउंड एट द टॉप, जो ज्यादा सोल्यूबल है ऊपर पाया जाएगा। द लीस्ट सोल्यूबल पार्ट ऑफ डाई इज फाउंड एट द बॉटम, लीस्ट नीचे पाई जाएगी। ये बेसिक प्रोसीजर है जो आपको लिखना होगा एग्जाम में, कि क्या हम क्रोमैटोग्राफी स्टार्टिंग से जो बात कर रहे हैं, क्या है वो फुल प्रोसेस क्रोमैटोग्राफी का। एप्लीकेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। क्या होता है, हम हमेशा पढ़ लेते हैं प्रोसेस के बारे में, बट हमें ये नहीं पता होता उसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का क्या मतलब, वो हम कैसे अपनी लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। हमें पता है इसको करते कैसे हैं, बट इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। पहला स्टेप, टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाई। आपके पास डाई है, आपके फॉर एग्जांपल मान लो दो डाई गलती से हो गया, मिक्स हो गया, तब काम आ सकता है। आप बोलोगे अरे यार रेड और ब्लू दोनों मिक्स हो गया, अब मैं क्या करूं, इसको तो मुझे सेपरेट, मुझे अलग रेड चाहिए था, अलग ब्लू चाहिए था। आप क्रोमैटोग्राफी से दोनों डाई को सेपरेट कर सकते, राइट? स्टार्टिंग से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अदर देन दैट, टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरली ऑब्टेन कलर्स। ठीक है, ये भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें कोई भी पिगमेंट्स अगर सेपरेट करने हैं किसी भी कलर से, हम वो भी सेपरेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। अब कोई पर्सन, हम बोलते ना ये ड्रग लेता था, कैसे पता चला ड्रग लेता था? हाँ, वो क्या स्पाई कर रहे थे जब वो ड्रग ले रहा था? बाद में क्या करते हैं, वो
ब्लड टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, खून निकाला, अब वो क्या करते हैं क्रोमैटोग्राफी करते हैं, उससे उनको वो जो अरेंजमेंट है ना वो उनको दिख जाएगा। ब्लड का तो ऐसा नहीं होता है, अगर वो ड्रग का प्रेजेंस दिख जाता है क्रोमैटोग्राफी में बहुत आराम से। आप सर्च करना गूगल पे क्रोमैटोग्राफी, ऐसे करके ना सर्च करना क्रोमैटोग्राफी इफ यू आर टेकिंग यू नो ड्रग्स, सो ऐसे करके आप लिख सकते हो ब्लड सैंपल ऑफ ड्रग, ठीक है। सो आप जब लिखोगे यू विल बी एबल टू सी दैट जो ब्लड सैंपल है, द पर्सन हु इज टेकिंग द ड्रग एंड द ब्लड सैंपल ऑफ दैट पर्सन, तो बहुत अलग आएगा नॉर्मल ब्लड सैंपल से। वहां पर चुटकियों में पता लग जाएगा क्रोमैटोग्राफी से। ज्यादा आपको हाई फाई साइंस नहीं लगानी है ना, हाई फाई साइंस नहीं लगानी, आपको डिटेक्टिव नहीं बनना, अपना सब बैठे रहो, आपको बस एक डॉट लगानी है और आपका काम हो गया। दैट्स इट क्लास। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया है क्रोमैटोग्राफी क्या होता है। अगर तब भी किसी को कोई भी डाउट है प्लीज राइट इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। सब फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो डाउट है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट है या फिर आपको कुछ सजेशन देनी है या व्हाट यू रियली लाइक इन दिस सेशन, आपको कोई यू नो और एडिशनल पॉइंट बोलना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है बच्चों, राइट। सो आप सब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड क्लास please like this session, click on the thumbs up if you really like this session, share it as much as you can because that will definitely help others to know all about the chromatography. Chromatography hum life mein use kar rahe hain, pata hona chahiye na, use kar rahe to kaise kar rahe hain, so share it and subscribe it. Subscribe why? Because then you will be able to get the notification whenever we will be having a class. यूजली हमें 5 o'clock मेरी क्लास होती है क्लास अपार्ट चैनल पे ही, तो ऑल ऑफ यू यू कैन ज्वाइन इन दी क्लास अपार्ट चैनल, यू नो यू कैन बी लाइव, लाइव चैट्स भी अनेबल होती है, यू कैन यूज दैट ऑप्शन ऑल्सो। अदर देन दैट क्लास यू कैन यूज दिस कोड RAY10 क्यू, क्योंकि आपका यहाँ पर चल रहा है फ्लैट 10% ऑफ, फ्री वाला सीन चल रहा है 10% ऑफ। आपको बस करना है एक अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड जो एक प्ले स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल होगा, आप बजा के डाउनलोड करो, उसके बाद ये कोड लगा के देखो, देखो कैसे मैजिक होता है, इतना बड़े प्राइस से कैसे कम होता है, क्योंकि 10% मिल रहा है। क्यों बैठे हो क्लास यहाँ पर, जाओ फटाफट, क्लास हो गई है खत्म, अभी आप जाके पढ़ो क्रोमैटोग्राफी के बारे में, और पढ़ने के बाद आप करो जाके अपना डाउनलोड ऐप एंड यूज करो ये कोड और सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूट्यूब में आपके डाउट्स इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते। सब्सक्रिप्शन से क्या है, अभी सब लॉकडाउन चल रहा है राइट, हर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है राइट नाउ, एवरीवन वांट्स सम गाइडेंस, कोई पर्सन हो जो गाइड करते, तो अनअकैडमी प्रोवाइड्स दिस। अनअकैडमी आपको पर्सनल गाइडेंस देगा, बहुत टॉप एजुकेटर्स होते हैं, आपको डेमो क्लासेस ऐसे नहीं होगा कि हम चलो बैठे हैं नहीं ये पसंद नहीं आएगा, आपको लिटरली पसंद आएगा, आपको यू नो लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, आपके डाउट सेशंस इतने सारे लिए जाएंगे ना कि आपको ए टू जेड टॉपिक पॉइंट्स पे होंगे और आप बहुत एक्सेल कर दोगे। यू कैन एस योर एग्जाम्स थ्रू एन अकेडमी क्लास, जस्ट रिमेंबर दिस लाइन ओके। सो क्लास प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फॉर द टाइमिंग, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, लेट्स क्रैक इट।